बहुत क्या सारा काम से? अलग सा काम भी है तो नहीं कर पाया मुझे। लास्ट टाइम नहीं दिया था ना तो नहीं हुआ। नाउ स्टॉप। चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 फॉर ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। सचिन कौन सा समस्या है जरा बताओ। बस 41 में ही है। अच्छा 40% दिया तो 145 आ जाएगा। हाँ ठीक है तो अच्छा बात है। वही तो मैंने पीछे पीछे हो गया। कैसे हो गया 41 क्वेश्चन नंबर 41 सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। अरे ये तो हम कितने वो लोग को बना सकते हैं। चलो ठीक है देखो। हाँ तो सही है। सबको पहले हंड्रेड मान लेंगे बाद में 140 हो जाएगा। ए चलो मैथमेटिक्स है दूसरा फिजिक्स है थर्ड बायोलॉजी है और इंक्रीमेंट इसमें 100 से 150% हो गया 50% का इंक्रीमेंट इसमें 75% का इंक्रीमेंट है तो 100 से 175 हो जाए और रेशियो ऑलरेडी जो दिया हुआ था दैट वाज 5:7 सो दिस इज ये टर्म हो जाएगा इंक्रीमेंट रेशियो देखना है तो आप उसको लिखेंगे 140 by 100 into 5x दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 150 by 100 into 7x is to 175 by 100 into 8x सिंपलीफाई कर लो यही हो ना ये यही रेशियो था जो सबका आ ही गया था कितना आ जाएगा इसका ठीक है चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 70 जरा देखो तो क्वेश्चन नंबर 70 49 में कंफ्यूजन है अच्छे लोग ठीक है अभी जस्ट पूछ रहे थे 49 जमीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2, 3, 4 एंड 1/4 बताए हुए हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला से हो जाएगा वो 156 ऑप्शन में नहीं यार हां मैं लॉग इन स्टार्ट चलो देखो देखता मीन प्रोपोर्शन है ना एक मिनट फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शनल में रेशियो में पॉइंट में दिया हुआ है a by b is equal to b by c ये मान के चलो और मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिड वाला जो वैल्यू है वो गायब है अगर a b c और इस तरह का टर्म है तो मीन प्रोपोर्शनल आपको ये निकालना है और जो दिया हुआ है a 234 है 234 by b क्या है जो मान लो b is equal to यहाँ पे आएगा 104 ये दिया हुआ है सही है ना बस अब b square निकाल रहा हूँ से b square equal to क्या हो जाएगा 104 into 234 so b is equal to under root 104 into 234 ये आंसर ठीक है मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल में ए डी दिया हुआ है सी दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है और उसके ऊपर जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसमें ए बी सी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है ठीक है
ठीक है. The school 10% boys are the same as 1/4 of the girls. ठीक है. What is the ratio of boys and girls? बताइए क्या होगा. 10% of boys. तो लिख सकते हो 10% of boys is equal to कितना 1/4 of girls ना. इसमें तो सेलेक्ट हो गया था. अब ठीक है. बॉय एंड गर्ल का चाहिए ना. इसको भी से डिनोट कर लो, इसको भी से डिनोट कर लो. बॉय एंड गर्ल को इसको इधर ले आइए, परसेंटेज को उधर लेके चले जाइए. क्या हो जाएगा 10% को 10/100 लिख सकते हो. ऑफ पी तो उसका मैथमेटिकल टर्म अगर लिखे हम लोग तो आ जाएगा 10/100 B is equal to 1/4 of G. इस टर्म को बॉय डिवाइडेड बाय गर्ल कर लो. सो दिस इज 1/4 इनटू ये टर्म क्या हो जाएगा कॉस मल्टीप्लाई. सो 100 बाय 10. सो ये तो कैंसिल 10 by 4 सो 5/2. क्वेश्चन नंबर 71 से ध्यान से पढ़ा तो 71. थ्री कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 3, 4, 5. क्वेश्चन बहुत लार्ज वे में लिखा, बहुत सारा वर्ड्स लिखा हुआ है. सो ध्यान से पढ़ना, पहले कुछ स्किप मत करना. क्वेश्चन बहुत बड़ा है, दैट मींस बहुत सारा इंफॉर्मेशन गिवन है. ठीक है. खैर यहाँ बड़ी बात नहीं है. ठीक है. पहले क्या था, तीन कंटेनर एबीसी, तीनों में जो मिक्सचर का रेशियो है वो दिया हुआ है. और जो मिक्सचर है उसमें वाटर और मिल्क का, मिल्क और वाटर का रेशियो ये दिया है. फर्स्ट में इस तरह से मिक्सर, सेकंड में इस रेशियो में मिक्सर, थर्ड में इस रेशियो में मिक्सर. आगे क्या है, The contents of all these three containers are poured into a fourth container. The ratio of milk and water in the fourth container. अब क्या कर दिया गया, इन सबको एक जगह मिक्स करके ला दिया गया, जो कि फोर्थ कंटेनर में डाल दिया गया. अब इसमें जो उसका मिक्सचर होगा उसका रेशियो क्या होगा ये बताना. चलो भाई बताना पॉसिबल. मिल्क रेशियो क्या क्या बताना बताओ. देखा समझ में आ गया. एबीसी तीन कंटेनर, तीनों कंटेनर का आपस में रेशियो ये है. विदिन वन फर्स्ट कंटेनर ये रेशियो है मिल्क वाटर का, सेकंड कंटेनर में मिल्क और वाटर का ये रेशियो है, थर्ड कंटेनर में मिल्क और वाटर का ये रेशियो. और सब में जो मिक्सचर है उसका रेशियो ये है. ठीक है. अब क्या किया गया है, इन सबको मतलब ये जो भी है अलग अलग कंटेनर सबको एक जगह मर्ज कर दिया गया. चार अलग अलग प्रोपोर्शन का, सॉरी तीन अलग अलग प्रोपोर्शन का मिक्सचर था, उसको सबको एक साथ मिक्स कर दिया गया. अब जो रे
इश्यू होगा मिल्क और वाटर का, वो क्या होगा ये बता, देखिए जरा क्या होगा। बताओ क्या बताओ क्या होगा, है कोई प्रोसीड कैसे करेंगे, हर कंटेनर का रेशियो दिया ही हुआ है, अकॉर्डिंगली अमाउंट निकालो। अगर इसको अगर ये रेशियो गिवन है तो ये अमाउंट कितना हुआ, तो जो भी पोर्टल हो गया ठीक है, ये लिख सकते हैं दिस इज द रेशियो टू एक्चुअल अमाउंट। ये अब कभी भी रेशियो को जो हमें डील करना होता है तो क्या करते हैं, ये एक्चुअल अमाउंट है, 3x जो है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ दिस कंटेनर है, तो आप लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट कंटेनर मिल्क जो होगा वो कितना आ जाता है, देखो मिल्क 4:1 है तो टोटल कितना हुआ 4+1 5, और उसमें मिल्क कितना है 4, तो 4/5 इंटू 3x जो होगा वो मिल्क होगा, होगा 3x इज द टोटल अमाउंट, इसमें 4 प्रपोर्शन जो मिल्क का है, चलेगा ही नहीं सिमिलरली फॉर सेकेंड कंटेनर मिल्क का हो जाएगा क्या है, मिल्क 3 है, 3/4 इंटू 4x, वाटर का हो जाएगा 1/4 इंटू 4x, अल्टीमेटली इसको देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड कंटेनर हो गया, नाउ थर्ड कंटेनर, थर्ड कंटेनर में वाटर का सॉरी मिल्क का रेशियो पहले चेक कर लो, मिल्क कितना है 5, सो यहाँ पे हो जाएगा 5/7 इंटू 5x। सिमिलरली वाटर कंटेंट, वाटर का कंटेंट देख लीजिएगा तो बाय आएगा 2/5 इंटू 5x, बताओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट है वो ये है, इसका इतना प्रपोर्शन ये है, तो टोटल कितना है 1/5 है, 5 प्रपोर्शन है टोटल, जिसमें से 4 मिल्क का कंटेंट है तो 4/5 इंटू 3x कर लेंगे, वाटर कंटेंट वाटर वाला रेशियो ये वाला सेक्शन है तो 1/5 डिनोमिनेटर में दोनों का सम जाता है, तो 1/5 इंटू 3x। सिमिलरली सेकंड में जो मिल्क का क्या रेशियो है, ये मिल्क का फर्स्ट वाला मिल्क का है, अब ये आ जाएगा सारा रेशियो आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारे मिल्क को एक जगह मर्ज कर दो, सारे वाटर को एक जगह मर्ज कर, तो आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, आपका क्या टर्म आ जाएगा 4 चीज़ें 12 12/5 x आ जाएगा ये,
इसको करोगे तो ये 3 by 5 x आ जाएगा, एक और एक तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 x आ जाएगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 by 7 यहां लिख लेते हैं 25 by 7 x, और यहां पे अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 by 7 x, this is 2 water condition, agar water le lo ye to sara water ko ek jagah merge kar do, that is 3 by 5 x plus x plus 2 x, ab order ko solve kar do, jo aa raha hai wo ratio hai, x x cancel hi ho jayega, jayega wo ratio, batao kya hai 157 is 157 is 250 ठीक है, तो ये बन आ चुके ना, ठीक है। आप जो रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व हो सारा कुछ कर चुके हो तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें यार, पहले तो हमें कुछ पूछना है, बताओ नहीं पूछना है, यही वैसे तो प्रॉब्लम है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे पार्टनरशिप। चलो अच्छी बात है, बताइए वो का क्या करना है, ये ना बताओ पहले, पहले उसका सोचो चलो इसमें से कुछ और पूछते हैं या फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दे, बताओ क्या चाहोगे। चलो ठीक है, मत एक काम करो, आज सब करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा। चलिए जरा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 83 देखो तो क्या है, 84 द सम ऑफ रुपीज 53 इज डिवाइडेड इनटू ए बी सी, ठीक है, इन सच अ वे दैट ए गेट्स 7 मोर देन बी एंड बी गेट्स 8 मोर देन सी, द रेशियो ऑफ देयर सेल्स इज, चलो क्वेश्चन नंबर 83 बाद में बात करना, क्वेश्चन नंबर 83 बताइए, ये हो गया ना, किसी से नहीं बन रही, ऐसा है कोई बन गया, बन जाएगा, बना लो। Thank you.
ठीक है, ठीक है ना। चलिए बताइए जरा, तो अगर बी को मान लो एक्स अमाउंट मिल रहा हो तो उसको एक्स प्लस करना मिल जाएगा, सही है ना। और बी गेट्स एट मोर देन व्हाट सी गेट्स, तो एट मोर देन बेटर ऑप्शन ये है कि आप सी को एक्स मान लो, एक्स प्लस एट बी को कर लीजिए और एक्स प्लस एट प्लस सेवन, एक्स प्लस एट प्लस सेवन हो जाएगा दैट इज सी। बताइए ऐसा कर सकते हैं? आप इसको हाईएस्ट मान लो, इससे कम कर लो, इससे और कम कर लो, या फिर मिनिमम नंबर ले लो, सीक्वेंस में चले जाओ, आइदर स्टार्ट फ्रॉम हाईएस्ट गो टू लोएस्ट और लोएस्ट टू हाईएस्ट। X10 अगर आ रहा है तो आपके पास जो वैल्यूज है वो 10 + 15 नहीं होगा ना, सबको ऐड कर देना है, इज इक्वल टू 53 हो जाएगा। सारे वैल्यूज को ऐड करोगे तो 3x + 23 इज इक्वल टू 53। सो अभी तो बहुत जल्दी से बन जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन टेस्ट में दिया था तो किसी से कुछ भी नहीं बन रहा है। क्या होता क्या तुम लोगों को? कोई 2 का है कोई 2 का। चलो ठीक है, उसका वैल्यू दिया है, मेजर ऑफ दैट मींस वैल्यू ऑफ दैट टर्म, वैल्यू ऑफ दैट टर्म। वो 2/7 है, तो क्या होगा नंबर्स? क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लगा, ये क्या है रेशियो का क्वेश्चन बन जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी, श्योर हो ना? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है बताओ जरा, द टू टर्म्स डिफर बाय 40। सो आई हैव अ फर्स्ट नंबर x एंड द नेक्स्ट नंबर x बाय 40, x प्लस 40 ले लो, और द बेसल ऑफ दिस इज मतलब दिस इज इक्वल टू 2/7। अब यहाँ सेक्स निकालना है या दोनों नंबर निकालना है, नहीं जाएगा।
नहीं, मुझे एक बार की बात बताओ कि क्लास में बन जाता है सवाल, एग्जाम में क्या होता है, टेस्ट में क्या होता है, सब लग रहा है कि कभी देखा ही नहीं है कुछ, ऐसे रिएक्ट कर रहा है जो देख रहा है, जो जो मेरी बात सुन रहा है, सबसे सवाल कर रहा है, किसी एक से सवाल नहीं कर रहा है, मतलब क्या करते हो? चलो क्वेश्चन नंबर 77 से देखिए, 76 से 77 आ गया ये टॉप 44 का है, zinc and copper are in ratio 9:11 ये दिया हुआ है. What is the weight of melted mixture if melted mixture का क्या weight होगा फिर 28.8 kg of zinc जो है वो कंज्यूम किया गया है. तो मेल्टेड मिक्सचर क्या होगा, मतलब व्हाट इज द वेट ऑफ मेल्टेड मिक्सचर, जो कंबाइंड मेल्टेड मिक्सचर है वो क्या होगा बताओ, कंबाइंड मेल्टेड मिक्सचर जो है वो क्या होगा. रेशियो में गिवन इंफॉर्मेशन है, वेट में, वेट और रेशियो दोनों ही दिया है, तो अब क्या करेंगे, जिंक को मिक्स करना होगा कॉपर से, तो मैंने तो सेल कर रखा 911 और मैंने इसमें 3 kg में ना, जब पूछा कि मेल्टेड मिक्सचर का वेट अगर 28.8 मेल्टेड मिक्सचर का वेट कितना होगा, अगर 28.8 जिंक का कंज्यूम किया तो यूज किया है हां, तो फिर कॉपर का कितना होगा ना, तो ये कॉपर नहीं निकल रहा है, टोटल मिक्स से निकल रहा है. देखो ये तो हम जिंक है, टोटल कॉम्बिनेशन अगर मिक्स कर ले, अगर जिंक का कॉपर आपको जिंक का दिया हुआ है तो क्या टर्म आता है, जिंक बाई कॉपर या फिर कुछ भी टर्म हो, तो टोटल जो कंजम्पशन का कॉम्बिनेशन होगा वो तो ऐड हो जाएगा 20. अगर इसमें कॉपर का पूछ रहा है तो होना चाहिए 11/20 इंटू कॉपर का वेट, जो भी काम का पड़ता है. अगर इसमें पूछा जा रहा है क्या बोला जा रहा है, जिंक का वेट, तो 9/20 इंटू जो भी जिंक का वेट है वो हो जाएगा, या फिर जिंक का वेट नहीं होगा, ये टर्म आपका हो जाएगा टोटल वेट. ठीक है, ये टोटल वेट और ये जो भी होगा वो टोटल वेट होता है, बट टोटल वेट गिवन नहीं है, तो क्या टर्म आना चाहिए, जो वेट गिवन है उसका जस्ट इनवर्स, मतलब ये वाला केस आ रहा है, किसका लिया हुआ है, जिंक का रेशियो हम किसका ले रहे हैं, जिंक का लिया हुआ है तो रेशियो किसका ले रहे हैं,
ये जिम कर लिया हुआ है ना, जिम का हम टर्म ले ले रहे हैं, टोटल टर्म जो हो जाएगा टोटल में ये आपको निकालना है। देखो एक चीज ध्यान से, जिम का जो वेट होगा वो होता है, जिम का वेट जो होगा वो हो जाएगा कॉपर का है, कॉपर का जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू 11/20 ऑफ टोटल वेट, जिम का जो वेट होगा That is equal to 9/20 into total weight. और total weight given नहीं है, but ये weight given है, zinc का weight given है, तो ये term इधर आ जाएगा? ठीक है, फिर से calculate करके निकाल लो। दो रेशियो गिवन है, एक का वेट निकलता है, जैसे अभी था ना मिल्क वाले रेशियो में हम लोग कर रहे थे, मिल्क टोटल वेट दिया था हमारे पास, टोटल वेट का रेशियो दिया हुआ था, मिल्क और उसका दिया हुआ था वाटर का, तो रेशियो आपस में कंपेयर करके टोटल वेट निकाले रहे थे, टोटल वेट नहीं मालूम है तो यही पता करना है, तो ये जिंक का वेट गिवन है, तो जिंक वाला वेट इधर जाके निकालो, सिंप्लीफाई करना है। चलो बोलो क्या होगा, क्वेश्चन पता चल गया। आंसर भी पता है, हाँ इसीलिए मालूम है ना। द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 6:11 एंड 11:2 इज, बताओ इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 6:11 एंड 11:2। बताइए बी, अच्छा राइट, इसीलिए हाँ क्यों होगा, कंपाउंडेड रेशियो तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इसीलिए होगा। 2/3, 6/11, 11/2 कैंसिल, 3/6 तो 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है 2:1, ठीक है नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो जरा, 8 आंसर हमको सॉल्व बना के सॉल्व करके दिखाना है कॉपी पे। ए एंड बी आर 12 ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 7:2 एंड 7:11। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड मिक्सचर लोगे, दोनों को मर्ज करके थर्ड एलॉय बनाओगे सी।
तो इसका रेशियो क्या होगा? बताओ क्या होगा? दोनों का मिक्सचर इक्वल लेना है, बस ये कंडीशन डाल दिया गया है। और सॉल्व करके बताना है तो फिर क्या होगा? वो बच्चा हाँ मम्मी आ गई। चलो बताओ क्या होगा? अभी जस्ट जो बनाए थे मिल्क वाटर वाला उसी रेशे के बनेगा। बताओ भाई गलती दोबारा कर लो। अब गलती में अगर सुधारना हो तो टेंथ में बाद में पास ले लेते हैं। ये भी मैच तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने मैच छोड़ कर कितनी बड़ी गलती की। आजकल के बच्चों को देख के ना बच्चों ने कितने पीछे पीलो आएगी मैच मैच सब पाता है मुझे मैच छोड़ने के बाद की हो रहा है। जब भी इसका कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो क्या लिखोगे? जो बेस है वो एक साथ आएगा, मतलब अगर ओल्ड डालना है इसका ओल्ड पता करना है तो ओल्ड का कंपोनेंट लिखो 7, दोनों का सम 9। 7 × 9 is the ratio of gold. अगर कॉपर का रेशियो करना है तो जाएगा 2/9, ठीक है? Similarly, gold का रेशियो 7/9, 11 × 7 = 18, 11 और 7 को ऐड कर दो, next क्या हो जाएगा? 11/18, ठीक है? आया क्या? This is the ये gold और कॉपर का जो टर्म है वो आता है, ठीक है? LYAB का आप दोनों के गोल्ड को मर्ज कर रहे हो तो ये गोल्ड और ये गोल्ड मिक्स कर दीजिए। 7/9 + 7/18 गोल्ड का कॉम्बिनेशन ये हो गया, नेक्स्ट हो गया 2/9 बोलो 11/18 इन दोनों को आपस में 7/9 हो गए। अच्छा 7/9 9 को 7/9, ठीक है गोल्ड ये अब ऐड कर लो क्या आ जाएगा देखो जरा NCM18 तो आएगा इसका 21/18 ठीक है 21/18 और ये हो जाएगा 14/9 टू जा क्या होता है 2 तो 4 × 4 = 15 ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म जब ये लिखना हो तो क्या आ जाएगा? इसको कैसे सिंपलीफाई करोगे? 7 से कैंसिल करो 3 से हो जाएगा तो 7 और 5 × 7 = 5 इज द रेशियो। रेशियो प्रोपोर्शन से अगर क्वेश्चन बनाते हो प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी कवर किया जा सकता है। अगर ये अच्छे से बन जाए तो एक प्रॉब्लम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन दिया होता है सारा का सारा रेशियो के टर्म में दिया होता है। तो अगर रेशियो का अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है तो सारा मैथ का आधा प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको पता चल गया रेशियो को ऐसे डील कर रहा है, ठीक है? और अब एग्जाम का भी नोटिस आ गया है।
छोटा है जहां तक बढ़ाए या वहां तक बढ़े हो सवाल ही वो खुद को तसल्ली दे रहे हैं जितना जितना बढ़ाए